हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको तो चैप्टर यानी कि 5 जो है सांतत्य यानी कि कंटिन्यूटी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है ना, तो इसके पिछले वाले वीडियो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन अच्छी तरह से करा चुके हैं, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि सिर्फ दीजिए कि फॉर्म एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन एक्स बराबर एन पर संतत है, जहाँ पे एन एक धन पूर्णांक है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो लिख देंगे हमने एफ एक्स जो फॉर्म दिया है वो हमने लिख दिया एक्स के पावर एन। ठीक है, तो हमें चेक किस पे करना है, एक्स बराबर एन, एन पे चेक करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक्स के स्थान पे पहले भर देते हैं, तो एक्स के पास एक्स के स्थान पे हमने एन रख दिया है। देखिए एक्स के स्थान पे एन यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे एन हो जाएगा, पावर एन है तो पावर एन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस लिमिट एच एक्स टेंस टू एन लेंगे। ठीक है ना, एक्स टेंस टू ये एक्स है और यहाँ पे एन है। ठीक है ना, एन पे तो यहाँ पे एफ एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब ये ले लीजिए, तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एक्स टेंस टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स के पावर एन लिखना है, एक्स के पावर एन भी लिख लेना है, हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहीं पे देखिए लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए एक्स है ना, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, एन रखना है, पावर एन है ना, पावर एन, तो एन के पावर एन आ गया। यहाँ भी देखिए इनके पावर एन आ गया, तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू एन है और एफ एक्स है, ये इस किसके बराबर हो रहा है, एफ एन के बराबर हो रहा है। ठीक है ना, यानी एफ एन का मान निकाले कितना आ गया, और लिमिट एक्स टेंस टू एन के मान निकाल रहा हूँ एफ एक्स का, तो हमारा उतना ही आ गया। इसलिए हमारा एक्स बराबर एन पर फलन क्या है, यानी एफ एक्स क्या है, संतत है। ठीक है, संतत है ये। चलिए इसका सोल्यूशन हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि क्या एफ एक्स जो है ये फलन दे दिया गया द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर क्या बोला है, जीरो। ठीक है ना, एक्स बराबर जीरो तो एक्स बराबर वन तथा एक्स बराबर टू पर संतत है। ठीक है, चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे संदेहात्मक बिंदु एक दिया है, तो हमें एक पे चेक करना है। यहाँ पे जीरो भी दे दिया है, यहाँ पे जीरो भी दे दिया है, एक्स बराबर एक भी, एक बार एक्स बराबर दो भी, तो यहाँ पे दो और जीरो जो दिया है, यहाँ पे केवल एक पे ही दिया है, इसके लिए मान दिया गया है, तो यहाँ पे हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि एक्स बराबर जीरो पर और एक्स बराबर टू पर क्या है, संतत है, यानी कि यहाँ स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि एक्स बराबर कितना पर, एक्स बराबर जीरो तथा एक्स बराबर टू पर क्या है, संतत है, क्या है, संतत है। ठीक है ना, ये तो पता चल गया कि एक्स बराबर इतना पर इतना इससे स्पष्ट है कि एफ एक्स जो है आपका क्या है, एक्स बराबर जीरो तथा इतना पर संतत है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एक्स बराबर वन पर, इसलिए हम निकाल रहे हैं एक्स बराबर वन पर चेक करना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए वन की चर्चा किया गया है, इससे आपका मान दिया गया है, इस पर हमको चेक करना है, इतना पे चेक करना है। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले एल एच एल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या बोलोगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एच। ठीक है, तो एच टेंस टू यहाँ पे ले लिया जीरो। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जीरो माइनस एच होता है, लेफ्ट लेंगे तो जीरो माइनस एच लेना है, समझ गए ना, आपको मैं सूत्र इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या कहेंगे, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे देखिए जीरो से कितना लेना था, एक पर लेना था, तो यहाँ पे एक रखिए। ठीक है ना, जो यहाँ पे बिंदु लिए हैं एक समान वो आपको रखना है। ठीक है, ध्यान देना है, तो यहाँ पे वन माइनस एच कर दिए, यहाँ पे वन कर दिए, तो वन से आपको क्या बोला है, लेफ्ट, यानी कि वन से छोटा बोला है, तो वन से छोटा होगा तो ये आपको भरना है, छोटा चाहे बराबर बोलेगा तो ये भरना है, एक्स भर देना है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे ये तो एक्स का मान हो गया। ठीक है ना, एक्स, तो यहाँ पे एक्स लेना है, तो एक्स के स्थान पे क्या भरना है आपको, वन माइनस एच भरना है। ठीक है ना, एफ लिखा हुआ है ना, तो एफ का मान है, यदि यहाँ पे कुछ रहता, यहाँ पे कुछ दो या तीन कुछ रहता, तो यहाँ पे दो या तीन लिखता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे।
और इसके बाद हम करेंगे इसका सोल्यूशन। देखिए वन हो गया, यहाँ पे एज के स्थान पे क्या रखना है जीरो, तो कितना आ गया वन आ गया, ठीक है ना। अब चलिए फिर इसी तरह से क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एज टेंस टू जीरो, यहाँ पे ले लेंगे एफ ए माइन ए माइनस ए प्लस एच होता है, तो यहाँ पे वन बिंदु लिया हो ना, तो वन प्लस एच हो जाएगा, बिंदु वन लिया हो इसलिए यहाँ पे वन प्लस एच, तो वन प्लस हमने एच ले लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जीरो मिल जाता है। अब देखिए तो ये पता चल पता तो हमको चल गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे वन से ज़्यादा लेना है, वन से थोड़ा ज़्यादा लेना है राइट हैंड, यानी कि वन से ज़्यादा, यानी वन से ज़्यादा होगा तो ये फाइव रख देना है, क्या रखना है आपको फाइव रखना है, ठीक है। तो वन तो यहाँ पे फाइव रख देना है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक्स के स्थान पे ये भरना था, लेकिन यहाँ पे वन से ज़्यादा होगा तो आपको क्या रख देना है फाइव रख देना है, तो इसमें एक्स का वैल्यू है ही नहीं कि ये रखूँगा, तो वाली फोर फाइव रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फाइव रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके स्थान पे आप क्या लिमिट एज टेंस टू जीरो, यहाँ पे एफ एक्स का मान जो होगा वो भरा था, लेकिन एक्स तो है नहीं, यहाँ पे एक्स कुछ तो है नहीं है, केवल फाइव करना है कि भर दीजिए, तो फाइव यानी कि एक्स में इसमें तो है नहीं, तो केवल फाइव हो गया, तो इसका मान वन आ गया, इसका मान फाइव आ गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे, अब चलिए इधर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे जो एल एच एल का मान आया, चूँकि लिख दीजिए कि एल एच एल नॉट इक्वल टू क्या आया आर एच एल आया ना जी, ये तो हमको पता नहीं दोनों क्या है, इसका मान एल एच एल का मान आ गया वन और आर एच एल का मान आ गया आपका फाइव, दोनों बराबर है ना, तो इसलिए आप क्या लिख देंगे कि एक्स बराबर वन पर एफ एक्स क्या हो गया आपका संतत नहीं है, यानी कि असंतत है, उसको संतत नहीं है यानी कि असंतत लिख दीजिए, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सिक्स नंबर, चलिए सिक्स नंबर देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है उसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि एफ के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है ना। तो ये छः नंबर दिया गया, तो हम इसमें देखिए यहाँ पे संदेहात्मक बिंदु क्या है, दो है, दो पे हमको चेक करना रहेगा, ठीक है ना। तो हमको एक्स बराबर कितना पे चेक करना है, दो पे चेक करना है, ठीक है ना। तो चलिए वही ले लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ए माइनस, यानी कि जो बिंदु होता है ना उसको लिखते हैं हम लोग, तो दो माइनस एच लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको बढ़ाएंगे आगे, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू जीरो रखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट बोल रहा है यानी दो से छोटा बोल रहा है ना, दो की चर्चा किया गया है, लेफ्ट यानी कि दो से छोटा जा रहा है, तो दो से छोटा कौन दर्शा रहा है, यहाँ पे देखिए दो से छोटा, एक्स का मान जब दो से छोटा होगा तो ये भरना है, छोटा या बराबर रहेगा तो ये भरना है, और दो से ज़्यादा रहेगा तो ये भरना है, तो आपको छोटा दर्शा रहा है तो ये भरना रहेगा आपको। तो यहाँ पे रख लीजिएंगे टू एक्स, एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, ये मान रखना है, एक्स के स्थान पर टू माइनस एच रखना है, ठीक है, प्लस थ्री है ना यहाँ पे प्लस थ्री। तो हमने क्या किया कि एक्स के स्थान पे ये भरना है एफ, एक्स एक्स की जगह पे ये भरना रहेगा, और फलन क्या है, ये वाला फलन है, तो ये वाला फलन लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे टू इन टू में एक्स के स्थान पे हमने ये रख दिया प्लस थ्री है, तो प्लस थ्री हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे आप टू रखेंगे और यहाँ पे आप क्या रखेंगे, जैसे ही ये तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा आप लिखेंगे यहाँ पे टू माइनस जीरो प्लस थ्री, तो आपका क्या हो जाएगा दो दूना चार, चार और तीन यहाँ पे क्या हो जाएगा चार प्लस तीन कितना आ जाएगा सात आ जाएगा, आएगा ना सात आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब आर एच एल निकालिए दोस्तों, आर एच एल द लिमिट एज टेंस टू जीरो, ए प्लस एच होता है, तो एक मान दूरी आप प्लस एच, ठीक है, यानी कि प्लस यानी राइट में जाना है, तो राइट हैंड लिमिट लेना है तो आपको ज़्यादा वाला यानी दूर से ज़्यादा रहेगा तो ये भरना है आपको, ठीक है ना। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ पर फलन क्या बोल रहा है दो, पहले गुणा में है तो एक्स के स्थान पर दो दे दिया, ठीक है, और एक्स के स्थान पर ये रखना है आपको, एक्स के स्थान पर क्या लिखना है टू प्लस एच, और यहाँ पर माइनस थ्री लिखना है तो माइनस थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे एच के मान आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आप जीरो रख देंगे, ठीक है ना, तो दूना चार हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि टू इंटू
टू प्लस जीरो प्लस माइनस थ्री, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टू दूना चार हो जाएगा और यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा घट के, ठीक घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा घट के, तो इसका घट के आ जाएगा वन, आएगा वन आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा माना गया सेवन, यहाँ पे वन आ गया, तो यहाँ पे क्या है संतत, संतत असंतत बिंदु चेक करना है, तो संतत है कि असंतत, ये तो दोनों मान अलग अलग आ गया तो ये असंतत हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे हम, देखिए इसको मैं जाता हूँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि एल एच एल कट गया है आर एच एल, इसलिए क्या हो गया हमारा, लिख देंगे कि एक्स बराबर दो पर एफ एक्स जो यानी कि फलन जो है असंतत है, क्या है असंतत है, ठीक है बन गया। अब क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, यहाँ भी संतत असंतत चेक करना है, देखिए हम लिख देंगे सबसे पहले हम देखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे संदेहात्मक बिंदु दो दो हो रहा है, यहाँ पे एक तो ये दोनों हो रहा है माइनस थ्री माइनस थ्री, और यहाँ पे एक हो रहा है थ्री थ्री, संदेहात्मक बिंदु माइनस थ्री और थ्री, ठीक है। यहाँ हमारा संदेहात्मक बिंदु क्या हो गया, बिंदु हमारा दो दो हो रहा है, कितना कितना हो रहा है एक एक्स बराबर माइनस थ्री और दूसरा हो रहा है एक्स बराबर थ्री, ठीक है ना। तो हम इसी पे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस थ्री पे चेक कर रहा हूँ, तो एक्स बराबर माइनस थ्री पर, ठीक है। तो एक्स बराबर माइनस थ्री लीजिएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ माइनस थ्री है ना, माइनस थ्री माइनस एच होगा, ठीक है, इस पे लेना है। तो आप लिमिट, तो हमने यहाँ पे ये तो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद में हमको करना क्या है, एक्स के स्थान पे क्या रखना है, एक्स के स्थान पे ये भरना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट बोला है यानी माइनस थ्री से क्या बोला है, छोटा बोला है ना, छोटा, तो माइनस थ्री से छोटा होगा, यानी कि देखिए माइनस थ्री से छोटा होगा तो कौन सा रखना है, ये वाला मान रखना है। और यहाँ पे देखिए मोड का मतलब क्या होता है, कोई भी मोड में होगा अगर, इसमें दो एक बार माइनस में एक बार प्लस में होगा, ठीक है। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, दो 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 मान होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जीरो से बड़ा दर्शाएगा तो ये भरेंगे, जीरो से छोटा दर्शाएगा तो ये माइनस वाला भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा वाला दर्शा रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट बोल रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट यानी छोटा वाला दर्शा रहा है, ठीक है ना, माइनस वाला, माइनस वाला है ना, यानी कि माइनस इस दर्शा रहा है, यानी कि छोटा वाला दर्शा रहा है, तो छोटा वाला यानी कि आपको ये माइनस वाला लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे माइनस, ठीक है, और एक्स के स्थान पर ये रख देना माइनस थ्री माइनस एच, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या है थ्री, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई यहाँ पे तो गुना में नहीं है, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, बस यहाँ पे इतना हो गया। और एस टेंस टू जीरो है तो एस टेंस टू जीरो रखेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें एच के बाद तो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस थ्री बच रहा है, तो कितना आ जाएगा आपका छः आ जाएगा, ठीक है ना। कैसा है तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस तीन आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस तीन, और ये माइनस माइनस प्लस एच आएगा, लेकिन एच का मान क्या रखना आपको जीरो कर देना है, माइनस प्लस थ्री तो कितना आ गया छः आ गया कि नहीं, तो वही हमें यहाँ पे लिख दिए छः। अब इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में करना क्या है, जो बिंदु है ना कितना पे लिए हैं माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस एच, ठीक है, यहाँ पे ये लेना है। तो आपको करना ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जो एक्स का मान है ना वहाँ पे इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे राइट बोल रहा है यानी कि राइट हैंड यानी कि माइनस थ्री लिया हम ना, तो माइनस थ्री से बड़ा प्लस एच यानी कि ज़्यादा है, तो माइनस थ्री से बड़ा वाला ये दर्शा है, देख रहे हैं माइनस थ्री से ज़्यादा हुआ एक्स का मान, तो आपको ये रखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, पहले आप लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे आपको माइनस टू पहले से है एक्स के स्थान पे, यहाँ पे देखिए माइनस टू पहले से है तो माइनस टू लिख दिया, और एक्स के स्थान पे आपको ये रखना है माइनस थ्री प्लस एक्स, ठीक है, आगे बढ़िए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा छः, तीन गुना छः माइनस माइनस प्लस हो गया, एच का मान तो जीरो हो जाएगा, तो इसका भी मान हमारा क्या आ गया छः ही आ जाएगा, ठीक है, इसका भी मान छः आ गया, इसका भी छः भी है। अब एक और चीज़ इसमें निकालना पड़ता है, ठीक है, तो वो एक चीज़ क्या निकालना पड़ता है वो हमको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम निकाल देते हैं,
यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो आपको एक चीज और निकालना है, एस कितना पे, -3 पे, ठीक है, -3 लेंगे, यानी -3 समझते हैं, यानी कि आपको -3 भर देना है। एफ एक्स -3 के बराबर कौन सा है, -3 के बराबर, तो देखिए यहाँ पे -3 के छोटा या बराबर होगा तो ये रखना है, तो ये रख देना, और ये छोटा या बराबर होगा तो आपको ये रखना है, तो -3 के बराबर रखना है, ठीक है ना, तो प्लस वाला लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको +3 लेना है, यहाँ पे माइनस होगा ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस होता है, तो यहाँ पे एक्स का मान अगर जैसे आप -3 लेते हैं, कितना रखते हैं, और +3 रखते हैं, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे आप -3 रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये दोनों मान आपस में बराबर हो गया ना, देखिए छोटा या बराबर के लिए भरना है, छोटा को ही दर्शा रहा है ना, छोटा ही को दर्शा रहा है, बराबर होगा तो ये दर्शा रहा है, तो आपको ये दोनों को रख देना है, यानी प्लस में रख देना था, तो यहाँ पे माइनस में लेना था, क्योंकि छोटा भी होगा तो यही दर्शाना था, बराबर होगा तो यही दर्शाना है, इसलिए हमने माइनस वाला यहाँ पे ले लिया, तो हमारे इसमें से जो निकलेगा यहाँ पे मोड में है तो एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में, तो माइनस वाला लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटा भी रहेगा तो यही दर्शाना है, तो माइनस वाला ले लिया, और एक्स का माइनस 3 भर दिया, यहाँ पे प्लस 3 है तो +3 है, देखिए माइनस में प्लस हो गया, 3 6 हो गया, यानी तीनों के तीनों बराबर आ गया। जब ये तीनों बराबर आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे -3 पे चेक कर लिया, अब इसके बाद एक बार और चेक करना होगा 3 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मान जो आ रहा है, जो कि लिख रहे हैं LHL बराबर RHL, ठीक है, अब बिंदु -3 है ना, ये तीनों के तीनों बराबर आ रहा था ना, इस पर भी 6 निकाले, इस पर भी 6, इस पर भी 6 आ रहा है, यानी कि सभी बिंदुओं पर क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, FX बराबर -3 पर क्या हो गया, FX क्या है, संतत है, ठीक है, संतत है। अब आपको क्या चेक करना है, एक्स बराबर 3 पे चेक करना है, ठीक है, +3 पे चेक करना है, तो इसको आप मिटा, इसको आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, अब चलिए +3 पे चेक कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, चलिए अब हमको क्या एक और समय आप लोग ये लिखा है +3 पे, एक्स बराबर अब क्या लिखना है, 3 पे चेक करना है, 3 पर, तो चलिए इस पर भी चेक करता हूँ, तो वही हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंस टू 0, तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 प्लस माइनस एस, लेफ्ट ले रहा हूँ, माइनस वाला एस लेना, तो लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए एक्स के मान पे ये भरना है, तो यहाँ पे 3 से छोटा होगा, प्लस में 3 देखिए, प्लस में 3 यहाँ पे है, 3 से छोटा होगा तो ये, यहाँ पे एक्स जो है 3 से छोटा दर्शा रहा है, ये भरना है, तो आपको माइनस पहले माइनस लिखा है ना, 2 लिख दिया, एक्स के स्थान पर ये भर देना है आपको, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना, ये एच का मान तो 0 हो जाएगा, खत्म करिए, तो -6 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको राइट हैंड लिमिट लेना है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच लिखना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, और एक अब यहाँ पे ये मान भरना है एक्स के स्थान पे, अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 प्लस यानी 3 पॉजिटिव बोल रहा है, यानी 3 से ज़्यादा एक्स का मान होगा, देखिए 3 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखिए एक से 3 से ज़्यादा होगा तो ये रखना है आपको, तो क्या लिखना है, 6 होगा, एक्स के स्थान पे आपको क्या ये भर देना है, 3 प्लस एच, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिख दीजिए, तो यहाँ पे 6 3 18, और इसको अगर हम करेंगे तो 6 एच का मान रखेंगे 0 तो खत्म हो जाएगा, यानी 2 कितना हो गया, 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 आ रहा है, तो यहाँ पर LHL और RHL दो ही मानों पर देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग आ गए हैं, तो जब दोनों अलग आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये असंतत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे कि असंतत हो गया, तो यहाँ पे +3 पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो +3 पे हमारा क्या हो गया, संतत नहीं, यानी कि असंतत हो गया, लेकिन यहाँ पे चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, यानी दोनों मान बराबर नहीं हो रहा है, तो अतः इसलिए x बराबर 3 पर क्या हो गया, संतत नहीं है, यानी कि असंतत हो गया, इसको लिख दीजिए असंतत है, चाहे संतत नहीं है दोनों लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं, तब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया है, 0 पे चेक करना है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है संदेहात्मक बिंदु क्या है, 0, तो 0 पे चेक करना है आपको एकदम
बिल्कुल आसानी तरह से, ठीक है, जीरो पर चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जीरो ले रहा है तो जीरो माइनस एच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे देखिए एफ है, अब एच का मान ये भरना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो जीरो से यहाँ पे माइनस बोल रहा है ना, माइनस यानी जीरो से छोटा होगा, यानी जीरो से छोटा, ये तो बराबर के लिए है, छोटा या चाहे बड़ा, यानी कि ये बराबर नहीं का मतलब होता है बराबर के नहीं, यानी कि जीरो से छोटा है वो तो बराबर नहीं ना है, तो बराबर नहीं वाला यानी जीरो से छोटा वाला, यानी आपको ये रखना है, तो ये रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जीरो से छोटा होगा यानी माइनस में होगा ना, जीरो से आपका एक्स का मान क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, छोटा होगा, तो यहाँ से यहाँ मोड है ना भाई, इसका मोड का मतलब क्या होगा, आपको माइनस में लेना होगा, जीरो से छोटा लेंगे तो माइनस वाला, और जीरो से अगर हम बारह लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, प्लस वाला लेना होगा, इसका मोड का मतलब हो जाएगा प्लस में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस में यानी कि एक्स लेना होगा। ये बात याद रखिएगा कि जब भी मोड से बाहर निकलेगा तो छोटा दर्शाएगा तो माइनस, तो बारह दर्शाएगा तो प्लस वाला लेंगे, यहाँ पे छोटा दर्शा रहा है तो हम माइनस वाला लेंगे माइनस, और एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, जीरो माइनस एक्स रखना है, ठीक है, और बटा में एक्स, एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, जीरो माइनस एच, ठीक है, ये बनाना था आपको, ठीक है, आगे बढ़िए। तो इसको आगे बढ़िएगा, तो हमने यहाँ पे इतना लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट, इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, एच प्लस में आएगा, नीचे एच माइनस में आएगा, ठीक है, तो हमारे एच कट गया तो कितना आ गया, माइनस वन आ गया, ठीक है, वन आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए करना क्या है आपको, कि अब आपको लेना है आर एच एल, द लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो के जीरो प्लस एच, यानी जीरो से ज़्यादा रहेगा तो आपको क्या भरना रहेगा, ठीक है, तो जीरो से ज़्यादा यानी कि वो भी तो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये आपको रखना है, ये यही वाला रखना है, ठीक है ना, तो यही वाला रखना है, तो वही आपका माइनस में ही रखना है, माइनस एक से बटा एक से रखना होगा, तो वही आप यहाँ से रखेंगे माइनस जीरो माइनस एच बटा जीरो माइनस एच, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा ऊपर और नीचे माइनस एच हो जाएगा, कटके कितना आ गया, माइनस वन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर वही हो गया, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब एक बार जीरो के लिए बराबर, यानी एक जीरो रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक के बाद जीरो रखेंगे क्या आएगा, जीरो आ रहा है, तो हम तो दो चीज़ बराबर आ रहा है लेकिन एक तीसरा बराबर नहीं आ रहा है, तो तीसरा बराबर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये जो है आपका नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है ना, तो जब ये नॉट इक्वल टू आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो छोटा बड़ा था तो ये लेना था, और इसमें लेकिन देखिए आर एच एल यानी ज़्यादा वाला बोल रहा है, तो ज़्यादा वाला यानी कि हम क्या, हम बताए थे अभी कि इसका मोड का मतलब होता है कि अगर ज़्यादा जीरो से अगर ज़्यादा बोलेगा इसका मान तो प्लस में लेना है, तो यहाँ ज़्यादा बोलेगा तो प्लस में लेना है, तो यहाँ पे तो प्लस में बोल रहा है, जीरो से ज़्यादा होगा तो यानी प्लस में लेना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे माइनस लिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको माइनस को हम क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है, तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस ऊपर कितना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे आ गया ना, माइनस और प्लस यही दिक्कत क्या है, एक आ गया, तो यहीं पे हो गया दोस्तों, देखिए क्योंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एल, देख रहे यहीं पे दो जब बराबर नहीं हो रहा है और तीसरा जब दो ही एल एच एल और आर एच एल ही बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका क्या हो गया एक्स बराबर कितना जीरो पर एफ एक्स क्या है संतत नहीं है यानी कि असंतत है, बन गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर नाइन, अब नाइन देखते हैं, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी आपने किया उसी तरह से, जीरो पर ही चेक करना है आपको, तो एक्स बराबर जीरो पर ले लीजिए, ठीक है, तो जीरो पर लीजिएगा तो पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या लीजिएगा जो बिंदु लिए है जीरो माइनस एच लीजिएगा, ठीक है, तो आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो लिमिट, ठीक है,
एस टेंस टू जीरो, अब देखिए जीरो से छोटा दर्शा रहा है, तो मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे भी मोड आ गया, तो छोटा दर्शाएगा तो करना है आपको माइनस में लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे माइनस में हो जाएगा ऊपर एक्स, तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स के स्थान पर दिए हमें आपको जीरो माइनस एक्स, और यहाँ पे लेंगे लेकिन माइनस में लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस तो पहले लग गया और एक्स का मान जो होगा ये मान भर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए इसको, तो यहाँ पे मान आगे बढ़ाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस एच आ रहा है, नीचे माइनस माइनस प्लस एच आ रहा है ना, ये कट गया तो कट के कितना आ गया आपका, नीचे तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो आप एच से एच कटा तो माइनस एक बच गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आ गया माइनस एक, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ले लेंगे कौन सी, आप आर एच एल लीजिए, आर एच एल, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे एफ ए प्लस एच ए के स्थान पे बिंदु जो लिए हैं हम जीरो लिए हैं, जीरो प्लस एच ले लेंगे यानी जीरो से ज़्यादा रहेगा, तो आपको बताया हमें ज़्यादा रहेगा तो इसमें प्लस में लेना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए छोटा, जीरो से छोटा लेना था तो ये लेना था आपको, ये तो पता चल गया, यहाँ पे जीरो से छोटा यानी कि लेफ्ट में जाना था, माइनस में लेना था, तो जीरो से छोटा होगा तो ये हमने भर दिया यहाँ पे, बता दिया आपको। लेकिन यहाँ पे बोला जीरो से ज़्यादा, जीरो से प्लस होगा, तो देखिए जीरो से ज़्यादा होगा तो आपको माइनस एक रख देना है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, माइनस एक रख देना है, ठीक है ना। जीरो से ज़्यादा या बराबर रहेगा तो माइनस एक रख देना है, तो इसका मान क्या है, माइनस एक, यहाँ भी माइनस एक, यहाँ भी माइनस एक, ठीक है। एक और चीज़ आपको निकालना होगा, जीरो रखते हैं एकदम, मान लीजिए जीरो रखिए, जीरो के बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए जीरो के बारह या बराबर रहेगा तो ये रखना है, अगर बराबर भी रहेगा तो यही माइनस एक ही रखना है, ठीक है। तो हम तीनों निकालिए, तो चूंकि देख रहे हैं कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो, यानी तीनों के तीनों बराबर हो गया ना, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स क्या हो गया, संतत है, संतत, यहाँ पर लिखिए संतत है, बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, आप चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे, तो उसी तरह से जैसे हम लोग 9 बनाएंगे उसी तरह से बनाएंगे, तो इसमें हम कितना लेना है आपको 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो 1 पे चेक करना है, तो चलिए लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए ए 1 है ना यहाँ पे, तो 1 माइनस एच लेंगे, यानी 1 से छोटा लेना है आपको, तो ये तो एक्स का मान बना है, तो देखिए 1 से छोटा है यानी 1 से छोट, ये तो बड़ा दर्शा रहा है, तो ये 1 से छोटा होगा तो ये भरना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स के मान तो ये रख देना है आपको, 1 माइनस एच, ये एक्स का मान होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस क्या है 1 है तो 1, ठीक है, हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो देखिए एच का मान तो आप क्या रख देंगे, जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही जीरो रखेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बचेगा ना, जीरो यहाँ पर रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कितना है 1 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कितना आ गया आपका, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालिए आर एच एल, ठीक है, आर एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या लेना है आपको, एफ ए के स्थान पर 1 लेना था ना, प्लस एच, ठीक है, 1 पे चेक करना है, प्लस एच लेना है, यानी 1 से ज़्यादा रहेगा तो 1 से ज़्यादा रहेगा तो ये बना, ज़्यादा या बराबर रहेगा तो ये रखना है आपको, तो लिख लीजिए ए लिमिट एच टेंस टू जीरो, ज़्यादा रहेगा तो आपको एक्स के स्थान पे क्या होना है, ये भरना है आपको 1 प्लस एच, ये एक्स का मान ले लिया, एक्स है तो एक्स हो गया, ठीक है, और कोई भी गुणा नहीं है या स्क्वायर नहीं है, तो फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 रख दिए। अब यहाँ पे एच के स्थान पे 0 भर देंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, आप प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा आपका, इसका मान 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देखिए। अब एक बार आप क्या ले लेंगे, 1 के बराबर ले लेंगे, ठीक है, तो 1 के बराबर रहेगा, बराबर रहेगा तो यही भरना है, ज़्यादा या बराबर रहेगा तो यही भरना है, यानी कि एक्स के मान आपको 1 भर देना है तो कितना आ गया, 2 आ गया। चूँकि देख रहे हैं कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ 1, यानी सबके सब बराबर आ गया, इसलिए एक्स बराबर 1 पर एफ एक्स क्या हो गया, संतत है, बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आपको बताया कि कैसे आपको सोल्व करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और तो आपको आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद।